नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लोगों का किया अभिवादन। पीएम यहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर खुली जीप में पहुंचे गंजारी सभा स्थल। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं, जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर भारत के पहुंचने का एक महीना पूरा हो रहा है। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा शिव शक्ति का स्थान यहाँ काशी में है। उन्होंने कहा कि काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खेलेगा। उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर BCCI के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभासी क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास की कृपा करके हम सबको अनुग्रहित करें। हम सब आपका अभिवादन करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नतमस्तक हैं हम आपके सोच के, आपके विजन के। और एक छोटी सी ऑडियो जहां क्रिकेट सितारों की एक लंबी श्रृंखला है, उन्होंने भारत को खासी प्रसिद्धि दिलाई है। इनमें शामिल है सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, पूनम यादव, आरपी सिंह, भुवनेश्वर कुमार, गोपाल शर्मा, प्रवीण कुमार, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, रिंकू सिंह सहित कई खिलाड़ी। काशी का क्रिकेट स्टेडियम काशी को इस खेल का एक नया हब बनाएगा। यूपी के पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों को लाइव मैचों का अनुभव करीब से मिलेगा। युवा प्रतिभाओं को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे।